हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की अब सक्सेस में। आज मैं क्लास 10th मैट्रिक की 2021 की परीक्षा में आने वाले सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो अगर आप भी मैट्रिक की परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी मेरे वीडियो में नए हैं तो वे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फिजिक्स का हर एक चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग उसका देख सकते हैं। फिजिक्स में ऑल 5 चैप्टर का है, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में क्षारक कौन है, ठीक है, निम्नलिखित में क्षारक कौन है, ZnO, SO2, CO2 या फिर NO2। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ZnO, ठीक है, ZnO क्या है, क्षारक है, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 6 होगा पीएच मान, या 7 होगा, या 8 होगा, या फिर 14, यानी न्यूट्रल का पीएच मान क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 7, यानी पीएच मान 7, ठीक है। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र NaHCO3। निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर क्या है, यौगिक है या तत्व है या मिश्रण या फिर मिश्र धातु। तो तीसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मिश्रण, बेकिंग पाउडर क्या है, मिश्रण है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं, ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जल में जो घुलनशील क्षारक है वो कहलाते हैं क्षारक, ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं क्षारक, ठीक है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तनु HCl का पीएच मान क्या होता है, HCl का पीएच मान क्या होता है, 6, 7, 8 या 0। तो HCl का पीएच मान होता है 0, ठीक है, HCl क्या है, एसिड है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 0। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है AgCl, इसका रंग जो है वो कैसा होता है, श्वेत, पीला, हरा या काला। तो इसका रंग होगा सिल्वर क्लोराइड का श्वेत, व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, यानी एसिड कौन है, CaO, KOH, NaCl या फिर HCl। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अम्ल है, एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, जिसका पीएच मान 1 रहेगा वो अम्लीय होगा अधिक, या 5 या 8 या 10 वाला। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी जिसका पीएच मान सबसे कम रहेगा उसका वो सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय रहेगा। जैसे HCl का कितना पीएच मान है, 0, तो वो सबसे अधिक अम्ल है, ठीक है, उसमें अधिक अम्लीयता का अम्लीय पाया पाया जाता है। तो 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र कौन है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, बी ऑप्शन NaHCO3, ऑप्शन सी NaCO3, ऑप्शन डी NaCl। तो 10th का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 हो जाएगा, 10th का ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO2, H2H2O7, H2SO4, H2S2O3, H2S2O8। तो 11 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, यानी 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन
लवण है, एच सी एल, ठीक है, यहाँ पे एल होगा एच सी एल या एन ए सी एल या फिर एन ए ओ एच या के ओ एच, तो इसमें हो जाएगा एन ए सी एल, ठीक है, एन ए सी एल लवण हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, हरा, लाल या भूरा, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 14 की ओर, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, सी एच फोर, सी ओ टू, सी ए सी एल टू या एन एच थ्री, 14 का हो जाएगा सी, यानी कि सी ए सी एल टू, सी ए सी एल टू जो है वो आयनिक यौगिक है, तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखेंगे कि एन ए ओ एच क्या है, अम्ल है, क्षार है या लवण है या इनमें से कोई नहीं, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्षार, एन ए ओ एच क्या है, क्षार है, तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जल का पीएच क्या होता है, जल का पीएच मान क्या होता है, 0, 7, 3 या 10, जल का पीएच मान कितना होता है, 7, यानी उदासीन होता है जल, तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा, कोई भी विलयन, कोई भी सॉल्यूशन अगर लाल लिटमस को नीला कर दे, यानी रेड टू ब्लू कर रहा है, तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कोई भी विलयन लाल लिटमस से नीला कर देता है, यानी कि उसमें किस चीज़ का मात्रा है, क्या है वो, एसिड या बेस या साल्ट, तो हो जाएगा बेस, यानी ब्लू से जब नील, रेड से जब ब्लू करेगा, रेड टू ब्लू, तो वो क्या हो जाएगा, बेस, और बेस का क्या होता है, जितना ज़्यादा होगा वो बेस कहलाएगा, यानी पीएच मान 10 है तो वो हो जाएगा 10 बेस में आता है, तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और एक चीज़, ब्लू से जब रेड करे तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए और वो किस चीज़ होगा, कौन सा चीज़ होगा, एसिड होगा, बेस या साल्ट, ठीक है, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अगर ब्लू से रेड लिटमस करे तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, 2, 6, 13 या फिर 7, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 13, ठीक है, क्षारक विलयन का पीएच मान 13 मान देता है, ठीक है, पीएच मान कितना हो जाएगा, 13, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नीला तोता जिसको तूतिया कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सी यू एस ओ फोर इंटू 7 H2O, सी यू एस ओ फोर इंटू 5 H2O, ऑप्शन सी है सी यू एस ओ फोर इंटू 4 H2O, ऑप्शन डी है सी यू एस ओ फोर इंटू 10 H2O, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सी यू एस ओ फोर इंटू 5 H2O, तूतिया यानी नीला तोता का रासायनिक सूत्र होता है सी यू एस ओ फोर इंटू 5 H2O, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सी टू एच फाइव ओ एच, सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, ऑप्शन सी सी एच ओ, ऑप्शन डी सी सिक्स एच सिक्स, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, ठीक है, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 21 में कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, सी ए सी एल टू, सी ए ओ, सी ए ओ सी एल टू, सी ए ओ सी एल, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सी ए सी सी ए ओ सी एल टू, ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र सी ए ओ सी एल टू होता है, ये किसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, सी ए ओ, एस ओ टू, एम जी ओ, सी यू ओ, ये चारों में से, इन चारों में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, तो हो जाएगा एस ओ टू, ठीक है, एस ओ टू जो है वो अम्लीय ऑक्साइड है, तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23 से देखेंगे कि पोटासेलम यानी फिटकरी, ठीक है, फिटकरी को क्या बोलते हैं, पोटासेलम, पोटासेलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 5H2O,
ऑप्शन सी है के टू एस ओ फोर इंटू ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस इंटू 24 H2O, के टू एस ओ फोर इंटू ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस इंटू 7 H2O। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी के टू एस ओ फोर इंटू ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा इसका रासायनिक सूत्र है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। तो फिटकरी का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटासियम का रासायनिक सूत्र, के टू एस ओ फोर इंटू ए एल टू एस ओ फोर का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है Cl2O2H2 या SO2। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी H2। ठीक है, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित क्या करती है? H2 को विस्थापित करती है। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गन प्रदर्शित करता है? निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गन प्रदर्शित करता है? NaCl, Na2CO3, NH4Cl, CaOCl2। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी NH4Cl। ठीक है, NH4Cl जो है वो ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। ठीक है।